नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको जूम ऐप के दो ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप पढ़ाते समय उसका अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये दोनों ही फीचर जो है वो वाइट बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरी जगह भी काम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फोटो शेयर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो बच्चे क्या करते हैं उस फोटो पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो आप जो बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से नहीं बता पाते। साथ ही साइंस और मैथ्स टीचर के लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस और मैथ्स टीचर दोनों को ही व्हाइट बोर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी ये टीचर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के साथ साथ बोर्ड पर वो भी लिखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो लिख रहे हैं वो दूसरे बच्चों को समझ नहीं आ पाता, इस वजह से आपका पढ़ाना बेकार हो जाता है। तो आज हम उन दोनों फीचर के बारे में बात करेंगे कि हम इस एक्टिविटी को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करें, साथ ही उस शरारती बच्चे का नाम कैसे पता करें कि ये हरकत किस बच्चे ने की है। तो चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जूम ऐप पर जाना पड़ेगा। इस समय आप देख रहे हैं दोनों मोबाइल में जूम ऐप खुला हुआ है। ये जो फर्स्ट मोबाइल है ये एक टीचर का मोबाइल है और दूसरा जो मोबाइल है वो एक स्टूडेंट का मोबाइल है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ शेयरिंग ऑप्शन पर। ये शेयरिंग ऑप्शन पर गया, मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया। देखिए दोनों तरफ व्हाइट बोर्ड ओपन हो गए। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, ये मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, तो यही जो मैंने इधर लिखा वही आपको दूसरे मोबाइल पे भी दिख रहा होगा। लेकिन इसी समय क्या होता है कि दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ पर अपनी तरफ से इस पर कुछ ना कुछ लिख देता है। ये किसका मोबाइल है? ये एक स्टूडेंट का मोबाइल, लेकिन देखिए टीचर के मोबाइल पे भी लिखा हुआ आ रहा है। और ऐसी स्क्रीन फिर सभी बच्चों के पास जाती है, सारे बच्चे को ये फिर दिखता रहता है। उससे क्या होता है बच्चों को फिर समझ नहीं आता, दूसरे जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको समझ नहीं आता कि सर ने एक्चुअल में लिखा क्या है। ये जो एक्टिविटी है वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करें, कैसे रोकें इसको, ताकि आप अच्छे से लिख पाएं और जो दूसरे अच्छे बच्चे हैं उनको समझ में भी आ पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन पर जाना है और ये जो मीटिंग सेटिंग लिखी, मीटिंग सेटिंग पर जाना है। मीटिंग सेटिंग पर देखिए यहाँ पर लिखा है एनोटेशन, दिख रहा है आपको एनोटेशन इस समय ऑन है ये, तो आप इस एनोटेशन को ऑफ कर दीजिए। ये आपने ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद आप वापस आ गए यहाँ पे। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ वही चीज़, फिर से आप व्हाइट बोर्ड पे गए। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, देखिए ये लिखा, दूसरे पे भी आ गए, लेकिन यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा। यानी कि ये स्टूडेंट जो है इस पर कुछ नहीं लिख पाए, उसकी स्क्रीन हिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ये तो फर्स्ट फीचर होगा जिसके थ्रू आप इसको रोक सकते हैं। दूसरा फीचर है कि कौन लिख रहा है ये कैसे पता करें। तो फिर से आप वापस मोर सेटिंग पर जाइए। मोर सेटिंग के बाद ये जो एनोटेशन लिखा है, एनोटेशन के जस्ट नीचे क्या लिखा है, शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, इसको आप ऑन कर दीजिए। ये ऑन हो गया, ठीक है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन को ऑन करना है, ऊपर वाले ऑप्शन को भी, नीचे वाले ऑप्शन को। तो अब क्या होगा कि जो भी आप कुछ लिखेंगे इधर, जैसे सपोज करिए मैंने इधर कुछ लिखा, इस साइड भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ बच्चा अगर कुछ लिखेगा, देखिए ये लिख रहा है बच्चा, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा आ रहा है। देखिए ये नाम मैं इधर लिखूंगा कुछ भी, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा तो ये बच्चे का नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए बच्चे का नाम आ रहा है लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस बच्चे ने लिखा है। तो इस तरह से आप बच्चे का नाम भी पता कर सकते हो कि ये कौन सा बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।